आज हम बनाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की मसाले वाली पूरी, बहुत और टेस्टी और सॉफ्ट बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। ये क्या है, उसके लिए पहले हम ले लेंगे चावल, उसको चावल को ग्राइंडर से पीस देंगे बारीक, और फिर ये बॉईल करके हमने लिया है आलू, आलू को छिलका निकाले हैं और उसके मैश करना है, और फिर चावल को आलू में मिक्स कर देना है, और इसमें अपन को डालना है अजवाइन, नमक, जीरा, और हमने यहाँ पे रखा है ये अदरक, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची और धनी पत्ती। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हमने आलू में, ये हमने चावल का आटा डाल दिया 1 कप, और ये हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर, जीरा डाल देंगे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये हमने डाल दिया जीरा, और ये है अजवाइन, अजवाइन को ऐसे करके हमने थोड़ा डाल दिया अजवाइन, और मिर्ची डाला ये है, हो सके थोड़ा सा अमचूर, ये हमने लिया है अमचूर का पाउडर। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1 चम्मच, हमने सब डाल दिया। उसके बाद ऐसे जैसे आटा लगाते हैं ना अपन, उस तरह अपन आटा लगा लेंगे सब मिक्स करके। अब इसमें चाहे तो धनी पत्ती भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, इसी तरह हम आप आटा लगाए। अभी हम आटा लगा लेंगे, और ये चावल का आटा तैयार है पूरी के लिए। अब हम इसकी बढ़िया गोल गोल सुंदर सी पूड़ियाँ बनाएंगे, और टेस्टी आप खाएंगे। एक बार आप बना कर तो देखिए कितना टेस्टी बनेगा। इसका लोई बनाएंगे, उसके बाद बेल के पूरी, जैसे पूड़ी अपन तलते हैं उस तरह पूड़ी की तरह तल लेना है। आप चाहे सब्जी, अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये है चावल के आटा की पूड़ियाँ। ये हम इस तरह पूरी बेल लेंगे। ये पूरी बन गई। ये पूरी गर्म गर्म तैयार। चावल की पूरी तैयार।